रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का मैच नंबर 24 खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 226 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। टीम के लिए डेविन कॉनवे ने 83 रन की पारी खेली। इसके बाद शिवम दुबे ने 52 रन का योगदान दिया। अजंक्य रहाणे के भी 37 रन के योगदान के साथ टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंची। सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम थी, 227 रन का लक्ष्य था। टीम की शुरुआत खराब रही, विराट कोहली का जल्दी विकेट टीम ने गवा दिया। इसके बाद महिपाल लमरोर भी 0 रन पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस और टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आई टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल की पारी खेली। दोनों ने अपने निजी स्कोर में अर्धशतक लगाया। अगर बात करें कप्तान फाफ डुप्लेसिस की, तो इस मैच में उन्होंने जिम्मेदारी के साथ 33 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, 187 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनके इनिंग्स में उन्होंने 4 छक्के 5 चौके लगाए। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो उनका ये बल्ला स्ट्राइक रेट के साथ साथ आग उगलता हुआ नजर आया। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो उन्होंने इस मैच में अपनी शानदार पारी की बदौलत आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप भी जीत ली है। बता दें कि 5 इनिंग्स में वह अब तक आईपीएल 2023 में 259 रन लगा चुके हैं, जहां उनका औसत 64.75 का है। इस दौरान फाफ डुप्लेसिस का स्ट्राइक रेट भी 172 का रहा है। आईपीएल 2023 में 5 मैचों में वह अब तक 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, 18 छक्के 20 चौके लगा चुके हैं और इस वक्त उनके सिर पर ऑरेंज कैप सज रही है। वहीं इसके अलावा फाफ डुप्लेसिस की एक फ़ोटो भी तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें फाफ डुप्लेसिस पट्टी बांधते हुए नजर आए थे और उन्होंने पट्टी बांधकर बल्लेबाजी की और अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। बता दें कि फाफ डुप्लेसिस के शरीर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने काफ़ी पट्टी बांधी हुई है और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलकर टीम को इस मैच में एक बहुत खास योगदान दिया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।